यार सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr क्यों होता है कभी किसी ने बताया नहीं, जानते इस वीडियो में। किसी इंसान ने बहुत सारे सर्कल लिए, हर एक सर्कल का कोई सर्कमफेरेंस होगा, कोई डायमीटर होगा। मान लो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस c1 डायमीटर d1, सर्कमफेरेंस c3 डायमीटर d3, सर्कमफेरेंस c2 डायमीटर d2। उस इंसान ने देखा कि हर एक सर्कल में जो सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू पाई आ रही है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या आया यहां से? सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू दोस्तों डी ऊपर गया तो ये हो गया पाई डी, डी को आप लिख सकते हो 2r, तो सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया 2πr। आई होप आप समझ गए होगे। अब ये बताओ ये पाई क्या होता है?